आप नेता संजय सिंह की याचिका पर एससी ने ईडी को जारी किया नोटिस। जी हां, आपको बता दें कि आबकारी नीति मामले में आप नेता संजय सिंह की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कोर्ट ने ईडी को दिसंबर के दूसरे हफ्ते तक जवाब दाखिल करने को कहा है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह को कहा है कि वो इस दरमियान जमानत के लिए निचली अदालत का रुख कर सकते हैं। संजय सिंह की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि इस केस में उनकी गिरफ्तारी गैरकानूनी दुर्भावनापूर्ण तरीके से हुई है। उन्हें कभी जांच एजेंसी की ओर से पूछताछ के लिए समन नहीं जारी किया गया, लेकिन 4 अक्टूबर को सीधे उनकी गिरफ्तारी हो गई। ये किसी जांच एजेंसी द्वारा अपनी शक्तियों के दुरुपयोग का नायाब उदाहरण है। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने संजय सिंह की याचिका को खारिज कर दिया था। उनकी याचिका में आरोप लगाया गया कि राजनीतिक वजहों से उनकी गिरफ्तारी हुई है, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा था कि बिना किसी ठोस सबूत के ईडी पर राजनीतिक प्रभाव में आकर काम करने का आरोप बेमानी है। कोर्ट इस बहस में नहीं जाएगा। हाईकोर्ट ने कहा था कि संजय सिंह एक राजनीतिक शख्सियत जरूर है, पर किसी आपराधिक केस में वे किसी दूसरे आरोपी के समान ही हैं। उनके अधिकार आम आदमी के समान ही हैं। कोर्ट को सिर्फ आरोपी के अधिकार ही नहीं देखना है, हमें पुलिस के जांच के अधिकार को भी देखना है। मनी लॉन्ड्रिंग के केस में सघन जांच की जरूरत होती है और जांच अभी शुरुआती स्टेज पर ही है। ऐसे में हाईकोर्ट के इस स्टेज पर दखल की जरूरत नहीं है। बता दें, संजय सिंह को ईडी ने 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। ईडी का कहना है कि संजय सिंह की गिरफ्तारी कोई बदला लेने की भावना से नहीं हुई है, जैसा कि उनके वकील दावा कर रहे हैं। ईडी के पास उनकी गिरफ्तारी के लिए मनी लॉन्ड्रिंग में उनकी भूमिका साबित करने के लिए दिनेश अरोड़ा के बयान के अलावा दूसरे अहम सबूत भी हैं। उनकी गिरफ्तारी कानून सम्मत तरीके से हुई है। इस खबर को देखकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। न्यूज डेस्क से प्रिया।